स्वभाव से व्यवहार कुशल, गलत होने पर सख्त निर्णय लेने की क्षमता और कुशल नेतृत्व की सोच पाले, ये बालाघाट के नए एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह है। कहने का मतलब ये है कि अब नागेंद्र सिंह के हाथों में बालाघाट के पुलिस महकमे की कमान है। नागेंद्र जी 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। पहले श्योपुर और बाद में भिंड जिले में कप्तानी भी संभाल चुके हैं और अब बालाघाट में समीर सौरभ की जगह पुलिस कप्तान के दायित्वों का निर्वहन करने तैयार है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वे भलीभांति परिचित है। पहले बालाघाट में हाकफोर्स कमांडेंट भी रह चुके हैं और नक्सल विरोधी अभियानों का हिस्सा भी बन चुके हैं। कुल मिलाकर कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नागेंद्र सिंह के लिए बालाघाट जिला नया नहीं है। यहाँ की नक्सल गतिविधियों को पहले से जानते हैं, समझते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सल ऑपरेशन में काम भी कर चुके हैं। हाल ही में हमारे विधानसभा लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए थे, इसके लिए भी यहाँ की टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में ऐसे चुनाव को कराया जाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो उसके बाद अब जो हमारे आगे त्यौहार आएंगे, अभी जैसे गणपति का त्यौहार आप सबको पता ही है कि बालाघाट के लिए विशेष महत्व रखता है, उसके दौरान भी हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सामान्य अपराध की जो गतिविधियाँ हैं उस पर भी बराबर नज़र रखी जाएगी और आप सब लोगों का सहयोग इस मामले में मैं चाहूँगा कि काफ़ी अपेक्षित है कि आप आगे बढ़ के जो समस्याएं आपको समझ में आती हैं, जिनमें आपको लगता है कि पुलिस के हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है, बिल्कुल हम उन पर मिल के आपके साथ में काम करना चाहेंगे। बालाघाट एसपी की कमान संभालने के बाद नागेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उनकी चर्चा से यह तो स्पष्ट हो गया कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर है, सजग है और प्रभावशील भूमिका निभाने के लिए सशक्त भी है। बहरहाल देखना होगा कि अब नए एसपी साहब के मार्गदर्शन में पुलिस थानों में किस तरह के बदलाव देखने मिलते हैं, अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम करते हैं और खासकर दबाव वाले मुद्दों पर ठोस और निष्पक्ष निर्णय लेने में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। हम हालांकि सर्वाधिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, परंतु साथ ही यहाँ के लोगों को मैं इसीलिए बधाई का पात्र भी मानूंगा कि बहुत कम लोगों ने नक्सलियों को ज्वाइन किया है। जब आपके पास 4 या 5 लोकल के लोग ऐसे रहते हैं जिनका बताया गया कि कभी नक्सल इनकी संस्था में जुड़े थे, तो उन 5 लोगों में से आपके लिए किसी को सरेंडर कराना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल समस्या ऐसे में, यदि कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है तो वो बालाघाट में आके शायद सरेंडर करने में उतना उत्साहित ना हो, क्योंकि उसका घर वहाँ है, तो अपने घर जाके स्वाभाविक तौर पर सरेंडर करना चाहेगा। तो यहाँ पर ये एक नीति आई है, जब हमें महसूस होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं, तो खैर इस आप सबके मंच के माध्यम से आज भी हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो यदि आना चाहते हैं वापस और उन्हें कोई डर या संकोच लग रहा है, तो बिल्कुल आप निसंकोच आइए। आपको समर्पण, आत्मसमर्पण नीति के तहत पूरी सुरक्षा पुलिस देगी और बिल्कुल आपको मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इसी ओर शासन की मंशा भी यही रही।